हेलो दोस्तों, येस बैंक को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। दोस्तों, येस बैंक को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। सबसे पहले न्यूज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, येस बैंक में जितनी भी गंदगी थी वो राणा कपूर जी की वजह से हो रहा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, और उनको आज के डेट में कोर्ट में भी पेश किया गया है। जहाँ पर भी दोस्तों उन्होंने काला धन रखा था वो सब पकड़ा भी गया है, और यहाँ तक कि SBI के चेयरमैन ने बताया है दोस्तों कि अभी बहुत सारे ऐसे नए निवेशक आने लगे हैं जो RBI को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, और अपना जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए, पहले जितना भी प्रॉब्लम था इसलिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आए लेकिन इन्वेस्ट नहीं किए, लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आ रहे हैं और येस बैंक में अपना रुचि दिखा रहे हैं कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा येस बैंक में, ये करूँगा वो करूँगा करके बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब RBI ने दोस्तों ये भी बता दिया है कि जितने भी लोग थे, बहुत लोगों का फिक्स डिपॉजिट था या सेविंग अकाउंट था, करेंट अकाउंट था येस बैंक में दोस्तों, अब वो और भी किसी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं और किसी और भी ATM से वो पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। पहले क्या था कि 50,000 के आसपास ही वो निकाल सकते थे, ठीक है, तो बैंकों में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी दोस्तों, लेकिन अब RBI ने साफ साफ बोल दिया है दोस्तों, और हमारी गवर्नमेंट ने करेक्ट एक्शन लिया है। जितने भी यहाँ पर दोस्तों फ्रॉड हो रहे थे वो सब पकड़े गए हैं। अब दोस्तों येस बैंक में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और राणा कपूर जी को दोस्तों जो पकड़ लिया गया है, अब इनके पास एक देखिए एक अलग से इनकी जो है कंपनी थी, इनके जो है दो डॉटर थी वो चलाते थे, और DHFL में इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था कि इन्होंने DHFL को बैड लोन दिया। बैड लोन देने की वजह से दोस्तों DHFL पहले ही डूबने वाला था, और DHFL के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रहा था, ठीक है, फ्रॉड के मामले में। दोस्तों राणा कपूर जी ने उनको लोन दिया और बोला कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो दोस्तों उन्होंने अपने डॉटर के कुछ मतलब उनके कुछ कंपनी थे वहाँ पर उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऐसे ऐसे जो है डिफॉल्ट हुए दोस्तों, और येस बैंक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है दोस्तों येस बैंक में। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि येस बैंक का प्राइस कहाँ पर जाके लिस्टेड हो सकता है। तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डेटा और फैक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, स्टैटिक्स के हिसाब से, कि SBI के चेयरमैन ने बताया है कि दोस्तों येस बैंक का जो प्राइस है 10 या 15 रुपीज़ के आसपास लिस्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइस जो है न्यू लिस्टेड किया जाएगा, कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से लिस्टेड किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसके प्राइस में थोड़ा बहुत जिन्होंने ख़रीदा है थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अब जो येस बैंक है वो येस बैंक नहीं रहा जो पहले वाला येस बैंक है, अब ये दोस्तों इंप्रूवमेंट ग्रोथ और क्वालिटी वाला स्टॉक बनेगा, ठीक है। पहले क्या था दोस्तों, ये डिफॉल्ट करता था, जितने भी इन्वेस्टर थे सबको पैसा लूटता था, लेकिन अब जो नए लोग हैं वो नए तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि SBI के चेयरमैन की येस बैंक को जो है वापस आने में थोड़ा बहुत इसको ग्रोथ दिखाने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और इसका प्राइस का जो लिस्टिंग होगा दोस्तों बताया जा रहा है 10 या 20 के आसपास होगा, ठीक है, 10 या 20 के आसपास होने वाला है लिस्टिंग। तो प्राइस भी लिस्टिंग मैंने बता दिया, जो न्यूज़ है दोस्तों वो भी बता दिया, और येस बैंक से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। आपको कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ ये जो सर्च बार है इसमें आपको सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ठीक है, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। आप जैसे ही परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा आपके सामने आ जाएगा लोगो परफेक्ट व्यू का, ठीक है। उसके बाद ये जो वीडियोस दिख रहा है दोस्तों, ये वीडियोस में आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने वीडियो, ठीक है। अगर आपके पास येस बैंक का शेयर है तो अब क्या करें दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, 1 घंटे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको हेल्पफुल है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए, कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे आप गलत तरीके के स्टॉक चूज़ कर लेते हो और आपको बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और वैसे भी आपकी मर्जी वीडियो देखना है, ठीक है, आपको वीडियो आपके सामने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाला वीडियो भी अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लो। और एक चीज दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगा सबसे पहले आपको न्यूज ला के देना है, अप टू डेट करना है, क्योंकि जिन्होंने भी येस बैंक का शेयर खरीदा है और खरीदने वाले हैं, इतना जल्दी तो आपको प्रॉफिट और इंप्रूवमेंट नहीं दिखने वाला, लेकिन धीरे धीरे जरूर आपको जो है ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा।